सो so, अभी हम सीखेंगे कि डिजोल्यूशन ऑफ़ फर्म्स में ऐसे कौन से बेसिक जरल एंट्रीज़ है तो अगर आप ये बेसिक जरल एंट्रीज़ को याद रखोगे तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाती है तो अगर हम इस ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो ये पेपर में टेन मार्क्स का क्वेश्चन आपको डिजोल्यूशन ऑफ़ फर्म्स के ऊपर पूछा जाता है नाव टेन मार्क्स के लिए जो सम पेपर में आता है उसमें सबसे पहले आपको लेजर्स पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर में आप सभी को पता होगा हम कौन से कौन से लेजर्स बनाते हैं तो हम पहला लेजर बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट हम दूसरा लेजर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हम तीसरा और आखिरी लेजर बनाते हैं कैश बैंक अकाउंट राइट और आपका जो कैश बैंक अकाउंट होता है वो टैली होना चाहिए इसके साथ अगर आपके क्वेश्चन में कोई पार्टनर्स का लोन है जैसे ए और बी पार्टनर है और एज लोन या बीज लोन अगर है तो एक लोन अकाउंट भी आप एक्स्ट्रा बनाते हो अगर पार्टनर का लोन दिया है तो अदरवाइज यू विल हैव ओनली थ्री लेजर्स इन द क्वेश्चन एंड दैट इज नंबर नंबर रियलाइजेशन सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल एंड नंबर थर्ड इज कैश बैंक अब इस चैप्टर के अगर आपके बेसिक जर्ल एंट्रीज क्लियर होंगे तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो कैसे इसको सॉल्व करना है ध्यान से देखते हैं और सारे एक एक स्टेप्स को हम एनालाइज करके आगे के स्टेप्स में जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप इसके आगे के स्टेप्स में इजीली जा सकेंगे तो चलते हैं सीधा स्टेप्स के ऊपर देखो सबसे पहला जो स्टेप्स है स्टेप नंबर वन वो है ट्रांसफर ऑफ असेट्स अगर आप इसको याद रखना चाहते तो याद रखना है ये आप रियलाइजेशन अकाउंट के ये आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करोगे और इसकी जर्नल एंट्री भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर जर्नल एंट्री आपको कहीं लिखनी होगी तो जर्नल एंट्री में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इसका जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है इसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट जितने भी आपके असेट्स होंगे वो सारे असेट्स को आपको यहाँ ट्रांसफ़र करना है बुक वैल्यू में बुक वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दिया होगा उसी वैल्यू पे ये सारे असेट्स को ट्रांसफर करना है एडजस्टमेंट्स में से कोई भी वैल्यू आपको ये स्टेप नंबर वन में नहीं लेना है इसमें अगर आपके पास कैश या बैंक है तो वो आप सन्ड्री असेट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज सन्ड्री असेट्स में कैश बैंक अगर लिखेंगे तो कैश बैंक अलग से एक लेजर हम बनाते इसीलिए हम उसमें नहीं लिखेंगे तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी फिक्स लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स ऐसे सारे पॉइंट्स आप यहां पे लिखेंगे। तो हाउ रिमेंबर स्टेप नंबर वन ट्रांसफर ऑफ असट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड स्टेप नंबर टू क्या होता है स्टेप नंबर टू होता है आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के कहां पे होगा क्रेडिट साइड में इसका जर्रल एंट्री क्या होगा इसका जनरल जनरल एंट्री होगा सनड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट तो ये आपके रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड होने वाला है इसलिए जनरल एंट्री होगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट के आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज इसमें भी वही कंसेप्ट है कैपिटल और रिजर्वस को आपको यहाँ पे नहीं लिखना है बाकी सारे लाइबिलिटीज़ लिखने हैं जैसे बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक लोन संड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एवरीथिंग वी आर गोइंग टू राइट इन अवर स्टेप नंबर टू तो स्टेप नंबर वन इज़ ट्रांसफर ऑफ असेट्स स्टेप नंबर टू इज़ ट्रांसफर ऑफ़ लाइबिलिटीज अस मूव टू नेक्स्ट स्टेप अगले स्टेप में चलते हैं तो आपका अगला स्टेप होगा थर्ड नंबर का स्टेप तो थर्ड नंबर के स्टेप में सीधा चलेंगे अभी तो स्टेप नंबर थ्री जो है हमारा दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व क्या है स्टेप नंबर थ्री ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व तो ये आप कहाँ करने वाले पहले वो समझ लेते हैं जो आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसके क्रेडिट साइड में आप ये ट्रांसफर करोगे और कैपिटल में पहले बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में राइट right? और रिजर्व जो भी हो वो रिजर्व को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर करने की कोई जनरल एंट्री नहीं है लेकिन रिजर्व को ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री है एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पे आप वो रिजर्व को डिवाइड कर दोगे और अगर रेशो नहीं दिया होगा तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दैट विल बी अवर स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर्थ जो है ये आपको एडजस्टमेंट में देखने मिलेगा दिस वी विल बी सींग इन दी एडजस्टमेंट ये कौन सी एंट्री है ये है असेट्स रियलाइज अट्स रियलाइज का क्या मतलब होता है असेट सोल्ड तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा ये ये असेट्स बेच दिए और बेचने के बाद ये असेट्स के ऊपर हमें पैसे मिले तो इसका जर्ल एंट्री बहुत सिंपल है इसका जर्ल एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा जरल एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है ये डिजोल्यूशन चैप्टर पढ़े या कोई भी चैप्टर पढ़े लिंग एनीथिंग अगर आपके क्वेश्चन में सोल्ड वर्ड आपके क्वेश्चन में रिसीव्ड वर्ड ऐसे जब भी आएगा तब आपको क्या याद रखना है कैश बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है बिकॉज पैसे हमको मिलते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो जरल एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट दिस विल बी यूर जरल एंट्री एंड स्टेप नंबर फोर विच इज कॉल्ड एस अट्स रियलाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं चलो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे स्टेप नंबर फाइव रियलाइजेशन या डिजूशन एक्सपेंसेस पेड तो ये भी एक एडजस्टमेंट में आता है और बहुत बार आता है इसका जरल एंट्री आपको याद रखना है इसका जरल एंट्री होगा बहुत सिंपल जरल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्या होगा जरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट तो हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश बैंक और कैश बैंक के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन तो कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आता है कभी कभी डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड आता है तो अगर कुछ भी आएगा तभी आपको यही एंट्री करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक दैट इज अवर स्टेप नंबर फाइव नाउ लेट अस मूव टू स्टेप नंबर सिक्स असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर तो कोई पार्टनर ऐसे होते हैं जो असेट्स ले लेते हैं खुद के लिए तब आपको जर्ल एंट्री याद रखना है तब आपका जर्ल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर जो भी पार्टनर ने लिया है समझो एक्स ने लिया है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई ने लिया है तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट तो जरल एंट्री क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट दैट विल बी योर जरल एंट्री एनी पार्टनर इज टेकिंग ओवर एनी असेट तो दिस विल बी योर जनरल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल तो दीज आर अवर सिक्स स्टेप विच वीव सीन अपिल नाउ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर सेवन लाइबिलिटी पेड तो ये याद रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज कभी कभी कोई क्वेश्चन में लाइबिलिटीज पेड के बारे में कुछ बताया नहीं होता है लेकिन इस चैप्टर का रूल है कि अगर हम डिजोल्यूशन कर रहे हैं तो हम असेट्स को बेचेंगे लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे तो लाइबिलिटीज पेड की जरल एंट्री आपको कंफर्म करनी ही है इसका जरल एंट्री भी वही है जो हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का किया था तो इसका जेरल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्या होगा जेरल एंट्री इसका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट To cash bank account. This will be your journal entry for step number seven, and that is realization account debit to cash bank account. नेक्स्ट स्टेप नंबर एट कभी कभी आता है लेकिन आएगा तो आपको याद रखना है अगर हमारे कोई लाइबिलिटीज होंगे जो हमारे पार्टनर्स पे कर रहे हैं अभी हमने सीखा कि लाइबिलिटीज पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक अगर ये रियलाइजेशन ये लाइबिलिटीज जो है वो अगर पार्टनर्स पेमेंट करेंगे तो यही एंट्री होगा सिर्फ कैश बैंक के जगह पे हम पार्टनर्स का नाम देंगे तो क्या होगा जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिस विल बी योर जर्नल एंट्री फॉर पेड बाय पार्टनर्स वेरी सिंपल जर्नल एंट्री अगर आप ये जर्नल एंट्रीज याद रखोगे तो पोस्टिंग बिकम्स वेरी इजी फॉर यू तो स्टेप नंबर एट में हमें क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है मतलब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखूँगा बाय रियलाइजेशन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है आई होप कि आपको अभी तक के कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं स्टेप नंबर नाइन और स्टेप नंबर टेन ये जो भी स्टेप्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे स्टेप्स आपके सारे पोस्टिंग के बाद होंगे कि जब हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे जब टोटल करेंगे आप टोटल करने के बाद एक तो आपको प्रॉफिट आएगा एक तो आपको लॉस आएगा आपको प्रॉफिट कब आएगा जब आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा क्रेडिट साइड टोटल इज मोर राइट वेन एवर यूर क्रेडिट साइड टोटल इज मोर यू विल गेट अ प्रॉफिट एंड वेन एवर योर डेबिट साइड टोटल इज मोर यू विल गेट अ लॉस तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल जब आप माइनस करते हैं तब आपको बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आता है दैट इज योर प्रॉफिट तो उसकी जरल एंट्री क्या होगी उसकी जरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा जर्रल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट विल बी योर जर्ल एंट्री फॉर प्रॉफिट तो ये आपके प्रॉफिट की जर्ल एंट्री है और इसी को आप अगर रिवर्स कर दोगे लॉस लॉस कब होगा जब आपका डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा तब आपको लॉस होगा तब आपकी जर्र एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उल्टा करना है इसको सिर्फ टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट तो ये आपने क्या कर दिया आपके प्रॉफिट या लॉस जो भी आया होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में भेज दिया और पार्टनर्स कैपिटल में जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आप कैश बैंक में भेजेंगे तो एक ग्यारहवा नंबर का स्टेप अगर याद रखना है तो याद रखोगे कि फाइनल सेटलमेंट जो होता है उसका एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल से कैश बैंक में जाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक तो हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर ढूंढते हैं तो वो हम ये एंट्री से पास कर सकते हैं दिस इज अवर फाइनल सेटलमेंट तो ये हमारा लास्ट एंट्री है फाइनल सेटलमेंट का देखो डिजोल्यूशन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये सारी एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए जब तक ये एंट्रीज ही क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ये चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट लग सकता है या थोड़ा ट्रिकी लग सकता है या आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत कन्फ्यूजिंग है तो ट्राई टू एनालाइज दिस एंट्रीज ट्राई टू रीड दिस एंट्रीज एंड डू नॉट बाइहाड दिस एंट्रीज़ जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि ऐसे एंट्रीज़ होते हैं और इसको कंसेप्ट के बेस पर अगर याद रखोगे तो आपको ये चैप्टर काफ़ी ईजी लगेगा तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना ये चैप्टर आपके पेपर में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा जो लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो लोग सी से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोगों के पेपर में भी थ्री फोर मार्क्स टू थ्री मार्क्स के क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं लेकिन बेसिक है जनरल एंट्रीज तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं आप और आपको और कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताइए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये जो लास्ट मिनट रिवीजन के कंसेप्ट से उनके वीडियोस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर